नमस्कार दोस्तों, सेलर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका सेलर फ्रेंड शुभम, आज आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है जग टाइप फ्यूल पंप। इस पंप को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे बॉश टाइप फ्यूल पंप, बैरल एंड प्लंजर टाइप, जग टाइप, हेलिकल ग्रूव टाइप। तो चलिए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये है बैरल, ये अंदर वाला है प्लंजर, ये दोनों है सक्शन पोर्ट, इसको स्पिल पोर्ट भी कहा जाता है। इसको स्पिल पोर्ट क्यों कहते हैं मैं अंत में बताऊंगा। और इसका वर्किंग ऐसे है, तो ये अपना प्लंजर है। तो आप प्लंजर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रूव है, ग्रूव कटिंग है। तो ये कैसे काम करता है, तो इमेजिन करो कि ये वाला पेंसिल अपना प्लंजर है। तो इसके दो मूवमेंट होते हैं, एक है वर्टिकल ऊपर नीचे जाने वाला मूवमेंट, और दूसरा होता है रोटेटिंग मूवमेंट। तो ऐसे रोटेट होगा, ऐसे ऊपर जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन फ्यूल क्वांटिटी कि आप हम लोगों को कितना फ्यूल इंजेक्शन चाहिए, ये हम रोटेशन सेट कर सकते हैं। ये रोटेशन सेट, यहाँ पे एक रैक होता है, रैक। तो रैक के मदद से वो रैक कनेक्टेड गवर्नर से कनेक्टेड होता है। तो जैसे गवर्नर में चेंजेस होते हैं तो वो रैक हिल जाएगा और ये अपना सेट हो जाएगा, अरे ऊपर वाला मूवमेंट। तो यहाँ पे वर्किंग ऐसे होता है कि यहाँ सक्शन पोर्ट से फ्यूल आएगा जब ये नीचे होता है। आप देख सकते हैं कि ये हेलिकल ग्रूव अपना नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तभी ये कंप्रेस होगा। ये दोनों पोर्ट्स को कवर किया है तो यहाँ पे कंप्रेशन शुरू होगा, और इस कंप्रेशन के वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा, और उस प्रेशर ये कनेक्टेड होता है अपना फ्यूल पंप से, फ्यूल पाइप से, और फ्यूल पाइप कनेक्ट होती है इंजेक्टर से। तो फिर यहाँ पे जब प्रेशर डेवलप होगा तो वो प्रेशर आगे जाएगा और इंजेक्टर में से फ्यूल निकल जाएगा कंबशन चेंबर में। और जब ये ऊपर जाएगा, आप देख सकते हैं कि जब ये टॉप मोस्ट यहाँ पे जाता है, तभी यहाँ से जो अपना ग्रूव है, ग्रूव से ओपनिंग हो जाएगा। जब ये यहाँ पे खुल जाएगा तो यहाँ से स्पिल पोर्ट से ये सब ऑयल निकल जाएगा, फ्यूल जो भी है वो निकल जाएगा। ये कैसे काम करता है, मान लीजिए कि ये स्पिल पोर्ट है और हमें अभी ज़्यादा प्रेशर चाहिए, मतलब ज़्यादा फ्यूल चाहिए, तो हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा स्पिल पोर्ट, ये वाला स्पिल पोर्ट है, तो यहाँ पे प्लंजर का मूवमेंट होगा ऊपर वाला, ये नीचे आएगा। फिर नीचे आने के बाद, यहाँ आने के बाद स्पिल पोर्ट से जो वाला ऊपर वाला फ्यूल जो प्रेशराइज था वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ये जो इतना लेंथ जो ड्यूरेशन लिया है, इससे हम ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस आप कंसीडर कीजिए कि हमें कम फ्यूल चाहिए, फ्यूल का क्वांटिटी वेरी करना है, कम करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये प्लंजर को रैक से घुमा के हम यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर समझ लीजिए कि ये ऐसे है फ्यूल पोर्ट। तो फिर यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ टच होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब थोड़ा प्रेशराइज होगा और थोड़ा फ्यूल जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम फ्यूल क्वांटिटी वेरी कर सकते हैं इस पंप की मदद से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।